फिर हमसे कम नंबर वालों को क्यों ज्वाइनिंग भेज रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग क्यों हो रही है? एक मिनट, आप सारे लड़के मिलके एक अभियान चलाएंगे कि अगर हमें नौकरी मिलेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम बहिष्कार करेंगे। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। कुछ साथियों की ज्वाइनिंग आई है, जिनको ज्वाइनिंग तो आ गई, वो सेंटर पे भी गए लेकिन उन्हें सेंटर से वापस कर दिया है कि दोबारा बुलाएंगे। अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो वो मेरी अकेले की वोट नहीं, पूरी फैमिली की वोट जाएगी और वो इनको मिलेगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यूपी, मैं हूं जाकिर अली और आज हमारे साथ एसएससी जीडी 2011 कांस्टेबल भर्ती के कैंडिडेट जिनका नाम है कुणाल शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उन्होंने अब तक इसके लिए किया है और उन्होंने अब तक किन लोगों से इस बारे में मुलाकात की है और उनका केस जो अब तक चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको लेकर सब उनसे पूरी चर्चा करेंगे और इस बारे में हम आपको बताएंगे। और इससे पहले हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि अब तक उनके इस केस में क्या कुछ आगे अपडेट उनके पास आया है और अब उनकी भर्ती जो है वो कब बहाल होने वाली है या इसमें उन्हें उम्मीद कुछ है भी या नहीं, जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी सर पर है और अब देखते हैं कि इसमें उनका क्या कुछ है और इस बारे में हमारे साथ मौजूद कुणाल शर्मा और इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल शर्मा, मैं एसएससी जीडी 2011 का कैंडिडेट हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज टू यूपी के जो रिपोर्टर हैं, जो टीम है जो हमारे यहाँ पे आई है हमें कवर कर रही है, क्योंकि जो न्यूज वाले हैं वो अगर पहले से हमको कवर करते तो शायद अभी तक न्याय मिल सकता था और कवर किया भी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जाकिर जी, ये भर्ती है 2011 की जिसमें एसएससी ने चार कोर की एक भर्ती निकाली, चार फोर्स, CRPF, CISF, SSB और तुम्हारा BSF। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने गए थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम के दौरान दो भर्तियों की और यानी दो फोर्सों को और ऐड किया था, ITBP और SSB, असलम राइफल भी इसमें है। तो ये टोटल मिला के छः पोस्ट हुई थी, छः फोर्स जो भी है, इन्होंने कंप्लीट जो मेडिकल फिट मेरिट लगाई थी वो इन्होंने लगाई थी 33 नंबर पे। अगर इनको लेना ही नहीं था तो मेरिट में ही निकाल देना चाहिए था। दूसरा, कम नंबर वाले लड़के अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, हर साल ज्वाइनिंग जा रही है, लेकिन हम जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनके पास सारे एविडेंस हैं, इलाहाबाद कोर्ट से भी हमको मिल चुका है कि आप इनके बारे में सोचा जाए, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है इनके बारे में सोचा जाए, इवन राजस्थान हाई कोर्ट ने भी बोला है कि इनके बारे में विचार करें। मुझे जहाँ तक आइडिया है, आप हमसे पहली बार भी हमसे जब आपसे मुलाकात हुई थी तब भी आपने बताया था कि आप इस सिलसिले को लेकर कई नेताओं से मिल चुके हैं और उस समय जो गृहमंत्री थे शायद आई थिंक उनसे भी आपने, राजनाथ साहब से भी आप मिले थे, तो उसको लेकर उन्होंने आपसे इस पर क्या आश्वासन दिए थे इसका कुछ, और आप इसको लेकर लगातार, मैं आपकी ट्वीट भी देखता हूँ, आप लगातार ट्वीट पे भी एक्टिव रहते हैं इसको लेकर, सरकार को आए दिन मतलब सवालों के घेरे में खड़े करते हैं और सवालों को उठाते रहते हैं, तो इस पे राजनाथ जी ने आपसे क्या आश्वासन दिया था? देखिए, माननीय राजनाथ जी उस समय गृहमंत्री थे और गृहमंत्री जब वो थे उस दौरान हम उनके पास गए थे, उनको हमने लिखित में अपनी याचिका दी थी, पत्र दिया था कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमको न्याय दिया जाए क्योंकि हम उसके लिए एलिजिबल हैं, जो इन्होंने कैटेगरी रखी थी भर्ती होने की सारी चीज़ें वो हमने फिलफुल की थी। तो उन्होंने हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया था कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन वो अब अपने पद से दूसरे पद पे चले गए, गृह मंत्री अमित शाह जी हो गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। इवन अमित शाह जी के पास, योगी आदित्यनाथ जी के पास और छोटे मोटे विधायक MLO के पास तो पता नहीं कितने हम लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, ना ही हमको आश्वासन दिया है कि होगा भी या नहीं होगा। साथ ही साथ जाकिर जी बताना चाहूंगा कि हमारे साथ के लड़कों ने आत्महत्या तक की है इसी भर्ती को लेकर। मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था कि आप मतलब इसको लेकर जो उस समय 2011 SSC GD 2011 कांस्टेबल जो भर्ती थी उस समय जो आपने अप्लाई किया था, तो उस समय की जो अगर मान लो किसी की उम्र अगर 20 साल थी तो आज वो लगभग मेरे ख्याल से 2011 के बाद 12 से 11 साल 12 के आसपास होने जा रहे हैं, तो उसकी उम्र लगभग अब 30-32 साल के आसपास, अगर वो 20 साल का होगा तो 30-32 के होने के आ गए होंगे,
तो क्या वो सब अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं, या फिर अब मान लो वो कुछ अपना अपना बिजनेस या काम, या उन्होंने इसका बिल्कुल उम्मीद छोड़कर और वो अपने किसी मेहनत मजदूरी में लग चुके हैं। मतलब बहुत से ऐसे लड़के हैं जो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना लंबा इंतजार करके और इसी की भर्ती के इंतजार में रहेगा, और उन्होंने कुछ ने अपने बिजनेस शुरू किए या क्या कुछ किया, और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें से एक ने दो ने आत्महत्याएं भी कर ली हैं। तो इसको लेकर अभी और आप क्या कर रहे हैं इस बारे में, मतलब आपको क्या लगता है कि अभी इसमें कुछ उम्मीद है, या फिर अब जो कुछ है भी एसएससी जीडी 2011 की कैंडिडेट वो सब इसको भूल चुके हैं एक सदमा समझ के, या इस पर अभी उम्मीद उनकी जिंदा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा ये ट्विटर अकाउंट है और इस पे करीब 150 से ज्यादा, लगभग 200 से ज्यादा मेरी पोस्ट पड़ी हुई है, जिसमें मैं हर बार एसएससी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनको मैंने भेजा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी मेरा किसी ने रिप्लाई नहीं किया। ये सारी पोस्ट हैं सिर्फ उसी के लिए हैं, एसएससी के लिए, अपनी भर्ती से रिलेटेड, लेकिन अभी तक किसी ने कोई मेरी पोस्ट का रिप्लाई नहीं किया है, ट्वीट का रिप्लाई नहीं किया है। साथ ही साथ जैसा अभी सवाल किया इन्होंने कि उम्मीद, देखिए अब हमारे जितने भी साथी हैं उनकी जो उम्र है वो 35 साल से ऊपर है सबकी, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, और उम्मीद ही एक बची है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है भर्ती देखने का, सरकारी नौकरी देखने की, उसकी उम्र हमारी निकल चुकी है। मैं वही कहना चाह रहा था, सभी लोग विवाहित हैं, ऑलमोस्ट सबका परिवार है, हम लोग बहुत ही कसमस करके बड़ी दिक्कतों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक ही उम्मीद है कि इस भर्ती से हमें कुछ मिल जाए, अगर इवन हमें इसकी नौकरी मिल गई तो शायद हमारा परिवार दो रोटी खा सकेगा। मुझे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आप इस बारे में क्या आपको लगता है कि जैसे कि 2024 का इलेक्शन इस समय सर पे है, अब 2024 के इलेक्शन के बाद में लगभग अभी 24 के इलेक्शन तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो अब जब इलेक्शन के बाद में ये तो सब नई भर्तियां आने लगेंगी, तो क्या आपको लगता है कि अब आपका 2011 वालों का अब नंबर आ सकता है, या फिर इसको लेकर अब, और जबकि आपकी उम्र का क्राइटेरिया भी आपको क्रॉस कर चुका होगा, तो क्या आपको लगता है आपका ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं कि हर साल ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, इस साल भी अगस्त में ज्वाइनिंग आई है 2023 में, वो ज्वाइन लेटर मेरे पास हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और वो ज्वाइनिंग कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, एसएससी डिपार्टमेंट से पूछते हैं वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि सीआरपीएफ जाने, सीआरपीएफ वालों से पूछते हैं वो जानते हैं एसएससी वाले जाने, एसएससी वाले कभी गृह मंत्री जाने, तो इन्होंने ऐसे गोल मोल घुमा रखा है, कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अगर भर्ती बंद है तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से आ रहे हैं हर साल? तो ये तो फिर ये हो सकता है ना कि ये 2011 वालियों के नहीं आ रहे हैं कुल मिलाकर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 2011 वालियों के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, बाकी इसके अदर आ रहे हैं? नहीं, इसके अलावा है 2011 के जो विद्यार्थी हमारे जो भाई हैं, हमारे साथ हैं, जिनसे हम डेली बात करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग आई है, उसी भर्ती की ज्वाइनिंग आ रही है। अच्छा, तो मतलब अभी भी उनकी ज्वाइनिंग की भर्ती जो हो रही है, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके कुछ साथियों की सिर्फ नहीं हो रही है ज्वाइनिंग, यही कहना चाह रहे हैं आप? हमारे कुछ साथियों की ज्वाइनिंग आई है, जिनको ज्वाइनिंग तो आ गई, वो सेंटर पे भी गए लेकिन उन्होंने सेंटर से वापस कर दिया है कि दोबारा बुलाएंगे। अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हम भारतीय नागरिक हैं, सारी चीजें देखते हैं, हर इलेक्शन में वोट भी करते हैं, 18 साल से उम्र ज्यादा थी तब हमने फॉर्म फिलअप किया था, इनके रेस कराई थी, फिजिकल इनका पूरा कंप्लीट हुआ था, मेडिकल कराया था, इनके जो भी क्राइटेरिया है वो फिलफुल किए, लेकिन आज तक हमको जॉब नहीं मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इन पे विचार करें, लेकिन नहीं, उन पे विचार नहीं करें, क्योंकि सरकार का दबाव है कोर्ट पे और सरकार ही नहीं चाहती कि हमें नौकरी मिले। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ये बात मैं आपको बताऊं, ये तो 2011 में जब मोदी सरकार ने जब एंट्री की थी तभी उन्होंने ये कहा था कि हम हर साल 2 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे, तो वो तो हर साल 2 लाख रोजगार दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि आपको रोजगार उसके तहत नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप उस क्राइटेरिया को में आप आ नहीं पा रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? देखिए 2 लाख रोजगार हर साल देने का मतलब ये है कि उनको वो क्राइटेरिया फुलफुल, अब हमारी जो भर्ती है 2011, 12, 13, 14, 15 अभी जितनी भी एसएससी की जितनी भी भर्ती है सारी भर्तियों पे केस चल रहा है, सिंगल भर्ती एक ऐसी नहीं है जो अपने आप क्लियर हुई हो, सब पे केस चल रहा है, सब में इतनी धांधली हुई है, और हमने वो सारी चीजें फिलफुल की है जो उनके क्राइटेरिया के अधीन थी,
लेकिन हमें आज भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर हमसे कम नंबर वालों को क्यों ज्वाइनिंग भेज रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग क्यों हो रही है? एक मिनट, आपका ये बहुत बड़ा आरोप है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके कम नंबर है उनकी अगर भर्ती की ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं और आपके नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक धांधली की ओर इशारा कर रहा है। आपके ये बयान जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर खाना कहीं ना कहीं इसमें कुछ झोल चल रही है सरकार को लेकर। तो लेकिन फिर वही सवाल है कि सरकार रोजगार देने में सक्षम हुई है या अभी सक्षम नहीं है? अब आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर 2024 में इस पे इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? क्या 2024 के हिसाब पे जो अब आज का रोजगार युवा है वो क्या इस चीज़ को अपने दिमाग में रखकर आने वाले 2024 में इलेक्शन में वोट करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, सिंपल सी बात है कि हम 20 से 25 हज़ार या उससे ज़्यादा के अभ्यर्थी हैं इस भर्ती के। ये केवल 2011 की बात कर रहा हूँ, 2012 में भी इतने हैं, 2013 में भी इतने हैं, 14-15 तक सारे लोग, अगर मैं बोलूँ तो 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी SSC का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें नौकरी देगी। अगर हम पर्टिकुलर एक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, और अगर मैं जॉइंट फैमिली की बात करूँ तो 10-12 सदस्य हैं। अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो वो मेरी अकेले की वोट नहीं, पूरी फैमिली की वोट जाएगी, और वो इनको मिलेगी नहीं। और हम इसके लिए ना सारे लड़के मिलके एक अभियान चलाएंगे कि अगर हमें नौकरी मिलेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम बहिष्कार करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस बार नौकरी नहीं मिलती है तो आप आने वाले 2000 लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार का बहिष्कार करेंगे, यानी कि आप सरकार में परिवर्तन करना चाहते हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं अगर 2024 में अगर इस बार आपको नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कि अगर एक साल अगर हम दिल्ली में बैठ के धरना दे सकते हैं और एक साल के धरने में एक सिंगल बंदा वहां पे नहीं आया हमसे पूछने कि भाई आप बैठे क्यों हो, किस कारण से बैठे हो। एक साल काफी होता है सरकार को पूछने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं पूछने आया, ना किसी ने हमसे ये जाना। हमने जा के सबको चिट्ठियां लिख लिख के भेजी है, मेल किए हैं, जितनी भी इनकी वेबसाइट है सबको हमने टैग कर करके ग्रीवियंस जार डाले हैं कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो। कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, एकदम अंधे बहरों की सरकार हो चुकी है ये, गरीबों के लिए कुछ नहीं है सरकार में। तो क्या फिर आप परिवर्तन चाहते हैं? डेफिनेटली चाहते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जिस तरह से कुणाल जी ने हमें बताया कि ये अगर इन्हें ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग नहीं मिलती है या इन्हें सरकार में इस समय मतलब रोजगार नहीं मिलता है तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए और सरकार को परिवर्तन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 2 UP। जय हिंद।